भाइयों, आरटीओ साहब जो एनसीआर में गाड़ी आ रही हैं उनको पकड़ पकड़ के ला रहे हैं, 12-12 हज़ार रुपये के लगभग चलान कर देते हैं। तभी ड्राइवरों से निवेदन है कि एनसीआर क्षेत्र में न आए। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। एक ड्राइवर जिसकी 13 साल पुरानी गाड़ी का 11,500 रुपए का चलान हो गया। दरअसल एनसीआर रीजन में 10 से 15 साल पुराने व्हीकल नहीं चल सकते। ड्राइवर को भी सब मालूम था और इस हिसाब से उसने रूट भी ले लिया था, लेकिन फिर भी चलान हो गया। कैसे, आपको बताएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक जरूरी जानकारी। हादसे के बाद अगर चाहिए वकील, करवानी हो बेल या सुपरदारी में चाहिए मदद, तो ट्रांसपोर्ट मॉल लेकर आया है आपके लिए लीगल एड इंश्योरेंस पॉलिसी। ज्यादा जानकारी के लिए अभी व्हाट्सएप करें 9831 9831 पर, शर्तें लागू। तो चलिए अब आपको विस्तार से समझाते हैं कि आखिर हुआ क्या। दरअसल ट्रक मालिक है सुभाष, जो हरियाणा के हिसार के दबड़ा गांव का रहने वाला है। गाड़ी का नंबर है HR39B7838। गाड़ी 2011 मॉडल है। 2020 में गाड़ी खरीदी गई थी। लोड जो था वो कैथल से हिसार जाना था, जिसकी दूरी 124 किलोमीटर है, जिसमें 2 घंटे 4 मिनट लगते हैं। अभी जो गाड़ी है ये 13 साल पुरानी है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एनसीआर रीजन में 10 साल डीजल और 15 साल पुराना व्हीकल अलाउड नहीं है। समय समय पर ये जानकारी भी दी जाती है। ड्राइवर को भी इस बात की पूरी जानकारी थी। ड्राइवर ने अब जहां से लोड लिया वो है कैथल। अब कैथल ना तो एनसीआर में है और ना ही हिसार एनसीआर में है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, और दिक्कत की बात ड्राइवर को लगी भी नहीं। लेकिन उसे क्या मालूम था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। अब ड्राइवर तो अपनी समझ से बिल्कुल सही जा रहा था। आप इस मैप के जरिए समझ पाएंगे कि वो ट्रक लोड हुआ कैथल से और जाना था हिसार, पर जहां ड्राइवर ने एक गलती की वो उस पर भारी पड़ गई। ड्राइवर ने वो रूट चुना जिसमें बीच में नरवाना सिटी आती थी और जिसकी डिस्ट्रिक्ट जींद थी। अब ये डिस्ट्रिक्ट जो है ये एनसीआर में आती है। पुलिस बार बार जागरूकता अभियान चलाकर बता रही है कि एनसीआर में पुरानी गाड़ी अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी ड्राइवर से यहाँ गलती हो गई। दरअसल 24 नवंबर को नरवाना सिटी से एक ड्राइवर गुजरा तो उसकी गाड़ी को यहाँ रोक लिया गया। गाड़ी को पुलिस ने सीज कर लिया और चालान कर दिया 11,500 रुपए का। साथ ही साथ ड्राइवर से एक शपथ पत्र भी लिखवाया गया, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पत्र में लिखी बातों को मानने के बाद ही चालान भरवा कर गाड़ी रिलीज की गई। अब इसमें लिखा क्या गया है वो भी आपको हम एक बार पढ़ा देते हैं। इसमें लिखा गया है कि मैं सुभाष, पुत्र श्री हरीश चंद्र, निवासी गांव डाबड़ा, जिला हिसार का स्थायी निवासी हूं और अपने हल्फ से निम्न बयान जो है वो करता हूं। इसमें उपरोक्त पते का मैं स्थायी निवासी हूं। वाहन रजिस्टर नंबर HR39B7838 है, जिसका मैं ड्राइवर हूं। अब इस गाड़ी को लेकर गलती से एनसीआर का एरिया जो है जींद, मैं वहां चला गया था और आगे से हम उपरोक्त गाड़ी को एनसीआर एरिया में नहीं चलाएंगे। अगर उपरोक्त गाड़ी दोबारा से एनसीआर में आई तो मेरी गाड़ी जब्त कर ली जाए, इसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। और उपरोक्त सभी तथ्य सही और दुरुस्त हैं। इसके साथ ही गाड़ी रिलीज होने के बाद ड्राइवर ने ट्रांसपोर्ट जगत को एक मैसेज भी दिया। क्या मैसेज दिया गया वो भी आप सुनिए। भाइयों, ये नरवाना बस स्टैंड है, यहाँ पे ये आरटीओ साहब जो एनसीआर में गाड़ी आ रही हैं उनको पकड़ पकड़ के ला रहे हैं। नरवाना में से जाने नहीं दे रहे, आगे जाना है जिसको कैथल या फिर चंडीगढ़ की तरफ जाना है उनको जाने नहीं देते, और रोड पे पकड़ के ले आते हैं जो एनसीआर में 10 साल पुरानी गाड़ी है और 11-11 हज़ार रुपये 12-12 हज़ार रुपये के लगभग चलान कर देते हैं। परेशानी होना पड़ता है फिर बहुत ज़्यादा। इसलिए सभी ड्राइवरों से निवेदन है कि नरवाना जींद एनसीआर क्षेत्र में न आए। चलिए आपको एक बार ये भी समझाते हैं कि कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट एनसीआर रीजन में आती है, ताकि आप भी थोड़ा जागरूक हो जाएं। देखिए, हरियाणा का फरीदाबाद, गुरुग्राम, नू, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, जींद और करनाल जो है ये 24 डिस्ट्रिक्ट एनसीआर में आती है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर 8 डिस्ट्रिक्ट जो है वो एनसीआर में आती है, जिसमें मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुर, शामली और मुजफ्फरनगर शामिल है। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान की 2 डिस्ट्रिक्ट एनसीआर में आती है, अलवर और भरतपुर। वहीं दिल्ली की बात की जाए तो एनसीटी दिल्ली पूरी एनसीआर में आती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर आपकी गाड़ी भी 10 साल या उससे पुरानी है और डीजल है तो इस रूट पर ना चलें जो एनसीआर में आता है। सावधानी बरतें और ऐसी भूल करके खुद को मुसीबत में ना डालें। लेकिन आपका इस वीडियो पर क्या विचार है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी खबरों के लिए आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप,
इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी 90831 90831 पर व्हाट्सएप कर दें। तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।